हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे 2304 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल को आप कैसे लिखते हैं, अंडर से लिखते हैं। यहाँ पर हम भाग विधि यानी डिवीजन मेथड काम में लेंगे। इस मेथड में करना क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अंदर में कितना आ गया, 23। ठीक है, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब 23 के लिए एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे, ये संख्या लेंगे 1 से लेकर 9 तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 23 से बड़ा ना। लगाओ दिमाग, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तो हमने लगाया दिमाग, तो 4 गुणा 4 कितना होता है, 16। एक बार इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। जो दो अंक हमने अंडरलाइन क्यों किए, क्योंकि इसमें आपके दो अंक एक साथ चलते हैं, यानी दो अंकों को अभी हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब क्या करें, फिर वही संख्या लेंगे, इसके साथ उसी का गुणा करें कि 704 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग, तो जैसे मैं 8 लेता हूँ, 8 का गुणा करता हूँ, 8 8 64, 6 के लिए आगे 8 8 64 और 6 कितना, 70। इसके लिए हमने 8 को एक बार ऊपर लिखा, फिर घटाया, 0 आ गया। यह जो वैल्यू निकला है कितना, 48। ये आपका आंसर है। इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए और आसान हो जाएगा।